वहाँ तक कैसे लाए हो गाड़ी? करके लाया था गाड़ी, करी 1400-1500 रुपये में जी। 1400-1500 रुपये में गाड़ी करी है, किराए से करके लाए। 1400-1500 किराए करके जी। लेकिन जिस हिसाब से आपकी बीवी की हालत लग रही है मुझे, तो आपको तो घर रहना चाहिए था इस हालत में भाई। सर घर रहना चाहिए, दिल नहीं मानता, थोड़ा सा किसे भी है ताकि मेरा कहीं इलाज हो जाए, भर्ती हो जाऊँगा। अब तो इनकी हालत आप देख सकते हैं भाई, कितनी बुरी हालत है इनकी। लैट्रिन पेशाब तक ये सब यही कर रहे हैं जी सर। कितना खर्चा हो चुका अब तक आपकी दो इनके इलाज पे? कैंसर है इनको? कैंसर है सर, इनको हो चुका 70-80 हज़ार रुपये खर्च हो चुका। जाँच वाँचों में डॉक्टर। तो कहीं से कोई मदद वगैरह आई भाई? कोई मदद नहीं आई भाई साहब, हम बस कर्जा पानी लेके जैसे तैसे कराए। घर में और कितने बच्चे हैं? इसके हमारे बच्चे भी नहीं हुआ सर, हमने एक लड़की लेके पाली थी, उसके बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है। कोई बच्चे नहीं है? नहीं सर। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लेकिन आप इतनी स्माइल, इतनी बदबू इनके अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा, और इनकी हालत बेहद ज़्यादा नाजुक है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये बच पाएँ, लेकिन फिर भी ये इनके शोहर हैं और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ ला के दिखाने की। तो किराए वराए को कैसे करते हो जब गाड़ी का किराया? गाड़ी किराया अपने पास से दे रहा था। रो क्यों रहे हो? रो नहीं आ रहा था, क्या कर रहे? रोना नहीं आया। कुछ नहीं है, मेरा जा रही है, दिख रहा है, क्या करें, परेशान है सर। क्यों परेशान हो रहे हो? जिसने ज़िंदगी दी वही ठीक करेगा, और ज़िंदगी और मौत आप ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। आप जितनी कोशिश कर रहे हो उतनी कोशिश, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो ना आप? जी इंशाल्लाह पूरी कर रहे हैं। अब जब आप आए वहाँ से तो किससे पैसे उधार लेके आए? उधार लेके आए आपके पास कुछ पैसा था? कुछ पैसे थे, हमारे दूध के पैसे मिले थे सर, लेकिन कर्जे वाले को रोक रखा कि कर्जे वाले मांगते हैं कर्जा दो हमारा। कितना कर्जा हो रहा आपके पास? 1.5 लाख रुपये। आप हिम्मत मत हारो, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है ना? अल्लाह सब ठीक करेगा, परेशानी और बीमारी देने वाला वो ऊपर वाला है। भाई आपको ये नहीं समझा, कोई बात नहीं, नहीं चलो नहीं समझा करो। आप मेरे भाई हो? नहीं सर, मैं जो भी भिखारी नहीं हूँ सर। भिखारी नहीं हूँ, ये तो एक छोटे भाई की तरफ से भाई को एक तोहफा है, और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में जो खुददार हैं, मांगते नहीं हैं, और ऐसे भी मदद कर सकते हो आप लोगों की। आप कभी अस्पताल में आ जाया करो, ये कोई भीख थोड़ी है, ये तो ये 5000 रुपये ये मेरे आपके छोटे भाई की तरफ से आपको छोटी सी मदद है इनके लिए। सर अच्छा ही लगता है जैसे किसी से पैसे लेते हैं। क्यों नहीं अच्छा लगता? कोई आता है मदद करने के लिए? नहीं कोई नहीं आता। कहने के लिए सब आते हैं, कोई आता मदद करने के लिए? नहीं आता सर। हैं? नहीं आता। फिर आप रखो, ये आपका भाई दे रहा हूँ मैं, रखो इन्हें, कोई बात नहीं, ठीक है ना? अल्लाह ठीक। थैंक यू नहीं यार, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, ये हर ईमान वाले का फ़र्ज़ है, हर मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबका फ़र्ज़ है, ठीक है ना? तो आप छोटी सी मदद है, मेरी कोई बड़ी मदद नहीं, आप है ना, हिम्मत मत हारो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा भाई, ठीक है? मेरा नाम मुशाहिद खान है। बस खुश रहो, और इतना कह रहा था ले लेता हूँ सर मैं, ठीक है ना? बिल्कुल भी परेशान ना होना, अल्लाह सब ठीक करे। बेशक, ओके, अल्लाह हाफिज़।